ओके बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का। और बेटा, परसेंटेज की उस टॉपिक का नाम क्या है पहले बहुत गौर से सुन लीजिए। अब टॉपिक का नाम है बेटा, एक संख्या को बार बार बदलना। एक संख्या को बार बार बदलना। बदलने का मतलब किस बात से है? तो बदलने का मतलब दो बातों से है, वृद्धि करना या कमी करना। बोलो, आज का टॉपिक है बेटा क्या? एक संख्या को बार बार बदलना। आज से पहले हम क्या पढ़ रहे थे? हम अलग अलग संख्या को बदलना। और जब हम अलग अलग संख्या को बदलते थे तो जो भी वो दो संख्याएं होती थी, ए और बी, या तो वो गुणा में होती थी, या वो भाग में होती थी, या वो प्लस में होती थी। तो इन सब चीज़ का तो केस हम बहुत ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है? तो अब हमें ये पढ़ना है कि अगर मान लीजिए एक संख्या x है, एक संख्या क्या है बेटा? x। और मान लीजिए मैंने इस x, एक जो संख्या x है, इसको मैंने पहले मान लीजिए 20% बढ़ाया। कितने परसेंट बढ़ाया बेटा? 20%। अब ये संख्या जब 20% बढ़ गई तो ये कुछ नई संख्या बन गई। अब जो भी संख्या ये नई बन गई, इसको फिर मैंने घटाया 25%। कितने परसेंट घटाया बेटा? 25%। बोलो, क्लियर है? और जब ये संख्या 25% घट गई तो उसके बाद फिर मैंने इस संख्या को फिर से बढ़ा दिया। मैंने इसको बढ़ा दिया 33/1/3%। बोलो, क्लियर है? या फिर 33/1/3% अभी नहीं ले रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको ले ले रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए अभी इतना ही ले ले रहा हूँ। चलो, अगर एक संख्या x है और इस x को मैंने दो बार चेंज किया है, पहले मैंने इसको 20% बढ़ाया है और फिर मैंने इसको 25% घटाया है। तो आप बताइए, अगर मैंने संख्या को दो बार चेंज किया है तो ये संख्या बदल के कुछ y हो जाएगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो अब आपको निकालना क्या है? तो यहाँ पे एक संख्या को दो बार बदला जा रहा है लगातार। तो जब ये संख्या दो बार बदली जा रही है तो x से ये बन जा रही है वाई। तो बेटा, आपको यहाँ पर निकालना क्या क्या है वो बात गौर से सुनिए। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर दो बातें पूछेगा। क्या बातें पूछेगा? पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने परसेंट का चेंज है। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो एग्जामिनर कि टोटल प्रतिशत वृद्धि या टोटल प्रतिशत कमी निकालिए। बोलो, क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन? और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि आपको एक वैल्यू दे देगा और जो बची हुई वैल्यू है कोई अदर वैल्यू वो आपसे पूछ लेगा। तो ध्यान रखना सर, जब भी ये टॉपिक आता है तो क्वेश्चन सिर्फ दो ही टाइप से पूछे जाते हैं, या तो टोटल परसेंटेज चेंज निकालना या फिर वैल्यू देकर वैल्यू निकालना। बोलो, क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, टोटल परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं पहले पार्ट को, और पहले पार्ट में हम सीखेंगे टोटल परसेंटेज चेंज निकालना, टोटल प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे केस के अंदर हमें अगर टोटल परसेंटेज चेंज या प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालनी हो तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं? तो मेथड नंबर वन होता है परसेंटेज मेथड और मेथड नंबर टू होता है आपका रेशियो मेथड। कौन कौन सा मेथड होता है बेटा? परसेंटेज मेथड और रेशियो मेथड। बोलो, क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अब आप गौर से समझना बेटा, परसेंटेज मेथड से कैसे निकालेंगे और रेशियो मेथड से कैसे निकालेंगे। तो देखिए भाई, परसेंटेज मेथड सबको आता है। परसेंटेज मेथड ये वही है जो मैंने गुणा में सिखाया था। क्या सिखाया था बेटा? कि जब कभी भी दो परसेंटेज हों, x% और y% तो इन दोनों का नेट चेंज कैसे क्या होता है? पहले एक एक करके जोड़ेंगे, मतलब x + y, और फिर दोनों को मिला के जोड़ देंगे तो दोनों का मिला के बनेगा x * y। लेकिन परसेंटेज का साइन दो बार आएगा, लेना एक बार है तो एक बार डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो आपका नेट फॉर्म, नेट चेंज बना था x + y + xy/100, यानी पहले एक एक करके जोड़ना और फिर दोनों को मिला के जोड़ देना। बोलो, क्लियर है या नहीं है? तो आपने कहा सर बिल्कुल क्लियर है। तो हम परसेंटेज मेथड लगाएंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे? तो बेटा, पहले चेंज जो x है वो पहले कितने परसेंट बढ़ रहा है बेटा? तो आप कहेंगे 20% बढ़ रहा है। और फिर वो कितने परसेंट घट रहा है बेटा? तो आप कहेंगे 25% घट रहा है। तो अगर आपको टोटल चेंज निकालना है x का, टोटल चेंज निकालना है, तो बेहतरीन तरीका है पहले एक एक करके जोड़ दो। तो एक एक करके जोड़ेंगे तो +20 और -25, नेट कितना बनेगा बेटा? -5। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और फिर दोनों को मिला के जोड़ दो, तो दोनों को मिलाएंगे तो बेटा 20 * 25, तो 20 पंजे
25 दूनी 50 तो ये हो गया माइनस का 500 प्लस माइनस, लेकिन दो के बाद पॉइंट भी लगाएंगे तो ये माइनस 5 हो गया, तो नेट आंसर कितने परसेंट आ गया, 10% की कमी। सर समझ में आ गई बात? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी आपने एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया और फिर उसे 25% घटाया तो उस संख्या में टोटल मिलाकर 10% की कमी हुई होगी। दैट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल क्लियर हुआ? लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियो मेथड, कौन सा मेथड बेटा? रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड कुछ नहीं कहता, आप सीधा सीधा का की के करते जाओ भाई। आपने क्या बोलेंगे भाषा में, आप ये तो बोलेंगे x का 20% बढ़ा और उस का मैंने फिर मल्टीप्लाई, तो जहाँ का आ जाए वहाँ मल्टीप्लाई होता है। यानी कि रेशियो मेथड ये कहता है कि आप कुछ ना मत करो, अगर आपको टोटल चेंज निकालना है तो आप दोनों परसेंटेज चेंज का रेशियो लिख दो। तो पहला परसेंटेज चेंज कितना है बेटा? +20% और दूसरा कितना है बेटा? -25%। तो ऐसा करके और बीच में का की भाषा आएगी कि इसका इतना परसेंट, तो का मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो आप कुछ मत करिए, बेहतरीन तरीका है कि जो भी परसेंटेज चेंज आपको दे रखा है उसका रेशियो लिखिए। तो 20% कितना होता है बेटा? 1/5, और ये प्लस है तो 5 में अगर 1 बढ़ेगा तो नेट वैल्यू कितनी बन जाएगी? 5 में 1 बढ़ के ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? आपकी 6। तो नेट रेशियो हो गया 6/5 और मल्टीप्लाई करना है आपको। 25% कितना होता है? 1/4, लेकिन एक कमी है तो माइनस, तो 4 पर अगर एक कम होगा तो नेट वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो 4 पर एक कम होगी ये वैल्यू बन जाएगी बेटा आपकी 3/4। अब कुछ मत करिए, अब दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, नेट रेशियो आ जाएगा। तो 6 × 3 = 18 और नीचे 5 × 4 = 20, तो ये टोटल का रेशियो आ गया टोटल का। अब ये टोटल का अगर रेशियो आ गया तो नीचे से ऊपर पढ़ेंगे हम रेशियो को हमेशा, तो 20 से अगर 18 हो रहा है तो कमी कितने की आ रही है? 2 की, और 2 की कमी कितने पे आ रही है बेटा? 20 पर, और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100, तो 20 × 5 = 100 और 5 × 2 = 10। तो आंसर अगेन देखो 10% ही आया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मैंने ये कहा कि अगर कभी भी आपको एक संख्या बार बार बदलनी हो तो उसका अगर टोटल परसेंटेज चेंज निकालना हो तो आपके पास दो तरीके होते हैं। क्या? एक तो परसेंटेज मेथड और एक रेशियो मेथड। परसेंटेज मेथड ये कहता है कि पहले एक एक करके जोड़ दो, फिर दोनों को मिला के जोड़ दो और दोनों के बाद पॉइंट लगा दो। क्लियर है या नहीं है? अगर मान लीजिए परसेंटेज मेथड तीन तीन संख्याओं पर लगाते तो कैसे लगाते, तो यही मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, अब यहाँ पे देखना। और रेशियो मेथड क्या कहता है? रेशियो मेथड ये कहता है जो भी परसेंटेज चेंज है उसका रेशियो लिखो, उन्हें गुणा करो, एक रेशियो आएगा, वहाँ से चेंज पता करो, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100 करोगे, आंसर आ जाएगा। तो रेशियो मेथड में तो कोई टेंशन नहीं है, रेशियो मेथड को सबको समझ आ गया होगा। पर परसेंटेज मेथड के लिए एक बात समझ लीजिए कि अगर ये संख्याएं तीन तीन हों तो क्या करेंगे, चार चार हों तो क्या करेंगे। तो गौर से सुनना बेटा, अब परसेंटेज मेथड की बात सुन लेना गौर से, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा, गौर से सुनना सभी के सभी। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ परसेंटेज मेथड की बात। कौन सा मेथड बेटा? परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड की बात बता रहा हूँ कि अगर आपकी 2% हो तो आंसर कैसे निकलेगा। तो ध्यान रखना, अगर 2% हो तो पहले एक एक करके जोड़ेंगे और फिर दोनों को मिला के जोड़ेंगे x2, और यहाँ पे कितने का पॉइंट आएगा बेटा? जब दोनों को मिलाएंगे तो 2% के साइन आएंगे, लेकिन हमें तो 1% का साइन लेना है, तो यहाँ पे कितने का पॉइंट आएगा बेटा? 2 के बाद पॉइंट आएगा, बस ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अगर 3% होंगी तो फिर आंसर कैसे निकालेंगे? तो पहले एक एक करके जोड़ेंगे, फिर उन्हें दो करके जोड़ेंगे और 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। कितने का पॉइंट लगाएंगे? 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। बोलो क्लियर हुआ? और फिर तीनों को मिला के जोड़ेंगे, और तीनों को मिला के जोड़ेंगे तो परसेंटेज के साइन कितने हो जाएंगे बेटा? 1, 2, 3 चाहिए, एक तो 2 वाली परसेंटेज हटेंगी, तो 1/100 तो 1/10,000 हो गया। इसका मतलब कितने का पॉइंट लगेगा बेटा? 4 के बाद, तो 4 के बाद पॉइंट। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो बस इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो CPO हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो SSC GD हो, चाहे वो TET हो, चाहे वो UP पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो UP पुलिस SI हो, कोई भी हो, अगर आपको एक संख्या बार बार चेंज होती नजर आ रही है और अगर आपको नेट चेंज निकालना है तो either you can use percentage method or you can use ratio method। बोलो क्लियर हुआ? अगर आपको percentage method लगाना है तो 2 संख्याएं हैं तो सिंपल सी बात है, पहले एक एक करके जोड़ दो और फिर उन दोनों को मिला के जोड़ दो, और उन दोनों को मिला के जब जोड़ेंगे तो 2 के बाद पॉइंट। बोलो क्लियर हुआ? लेकिन अगर 3-3% है तो पहले एक एक करके जोड़ो, फिर दोनों को मिला के जोड़ो 2 के बाद पॉइंट, फिर तीनों को मिला के जोड़ो 4 के बाद पॉइंट।
पॉइंट, बोलो क्लियर है या नहीं है। बस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कब कब लगाना है। तो परसेंटेज मेथड आपको तब लगाना है जब आपका जो डाटा हो, जब जो डाटा हो वो पूर्णांक संख्याओं में हो। किस में हो? पूर्णांक संख्याओं में हो। अगर आप पूर्णांक संख्याओं में अगर डाटा दे रखा है और तब आप परसेंटेज मेथड लगाएंगे तो शायद आपकी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं डाटा लेके दिखा रहा हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आपका दोनों मेथड से आसान था, लेकिन आप खुद बताइए कि अगर मान लीजिए मैं डाटा कुछ ऐसा ले लेता हूँ, अब डाटा मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा थोड़ी देर के लिए, मैं कहता कि मान लीजिए कि x में पहले वृद्धि हुई 2% की और फिर यहाँ पर वृद्धि हुई 3% की, बोलो क्लियर हुआ? या फिर 3% ना होकर मैंने कह दिया यहाँ पर कमी हो रही मान लो 3% की और ये वृद्धि बोली मान लो यहाँ पर भाई साहब आपके 7% की, बोलो क्लियर है या नहीं है। तो अब आपको टोटल चेंज निकालना है। तो बेटा परसेंटेज मेथड लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो पहले वृद्धि हुई कितने परसेंट की, 7 की, और फिर आपका चेंज हुआ माइनस का 3%। तो देखना पूर्णांक में और पूर्णांक में संख्या दे रखी है, तो बेहतरीन तरीका है परसेंटेज मेथड। रेशियो से करोगे क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो भाई टोटल चेंज अगर आप निकालेंगे तो पहले क्या क्या बेटा दोनों का मिला के कैसे निकालेंगे, पहले एक एक करके जोड़ेंगे तो प्लस 7 में से 3 गया तो प्लस 4 बचेगा, सही बात है। और फिर दोनों को मिलाएंगे तो बेटा 7 + 21 माइनस का 21 आएगा और 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो माइनस का 0.21, बोलो यही है क्या? और अब आप बताइए 4 में से पहले एक आंसर ले लो, 100 में से 21 गया तो पॉइंट का कितना बचेगा, पॉइंट का 79, बोलो एक तो ये बच गया और यहाँ से आंसर हो गई तो नेट बचा 3। तो आपका आंसर हो गया 4 में से अगर 0.21 घटाओगे तो नेट बचेगी वैल्यू 3.79% का इंक्रीज, बोलो क्लियर हुआ यहाँ? तो आपका आंसर बहुत आसान कैलकुलेशन से आ गया 3.979। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को रेशियो से करोगे ना तो बहुत टिपिकल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? तो वो सवाल समझो, पहले 7% बढ़ रहा है तो पहले 7% बढ़ रहा है और फिर 3% घट रहा है। तो एक बात बताओ बेटा 7% बढ़ने का रेशियो क्या हो गया, 7/100, और 100 पर अगर 7 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 107/100 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3% का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/100 और 100 पर 3 कम हो रहा है तो बेटा 100 पर 3 कम करेंगे तो 97/100 हो गया या नहीं हो गया। अब आप खुद बताइए बेटा 97/100 हो गया। तो बेटा अब बताइए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के मल्टीप्लाई में यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, लगेगा या नहीं लगेगा, बोलो क्लियर है या नहीं है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कैलकुलेटिव करने में, सर समझ में आ रही बात? इसलिए बेहतरीन तरीका ये है। वैसे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं नो डाउट, ये कितना छोटा है बेटा 3 छोटा है, ये कितना बड़ा है 7, तो अब ये भी एक तरीका जानता हूँ मल्टीप्लाई का, क्रॉस जोड़ दो इन्हें, 107 में 3 माइनस 3 करेंगे तो 104, तो ये आ गया और 7 + 21 ये आ गया, बोलो क्लियर है या नहीं है। तो गुणा करेंगे तो ये आ गया आपका, ये आएगा कितना, एक मीटर को बेटा गुणा करके देखो, 107 में अगर 97 का गुणा करोगे तो निकाल के बता दे रहा हूँ बेटा, बताइए क्या मैं ऐसे ये मान सकता हूँ 100 - 3, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, 100 करूँगा गुणा तो 107/00 ये हो गया, 3 गुणा करिए 3 * 7 = 21 और 3 * 3 माइनस कर दो तो बेटा ये कितना बचा 79 और ये कितना बचा आपका 6 - 3 गया तो 3 * 0 = 1, तो ये आंसर आ गया आपका 10379 बटे, बेटा आप बताइए बटे ये कितना हो गया आपका 10,000। तो आप बताइए 10,000 से अगर इतना हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 379। आप कहेंगे 379 की वृद्धि हुई कितने पर बेटा 10,000 पर, और परसेंटेज निकालनी है तो गुणा 100 बेटा, 2 0 2 0 कटी और 100 से भाग करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 3.79। तो मेरे हिसाब से आंसर तो देखो वही आया, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन कम थी, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए मैं कहूँगा कि जब पूर्णांक में संख्याएं दे रखी हों, तो आप ये मेथड मत लगाओ, बेहतरीन तरीका है आप परसेंटेज मेथड लगाओ, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, कम कैलकुलेशन से आ जाएगा। और एग्ज़ाम की नीड भी यही है कि आप कम से कम कैलकुलेशन करें। बोलो बेटा क्लियर हुआ सभी को? चलिए भाई अगर आपको क्लियर हो गया हो तो मैंने आज आपको सारा डिस्कशन कर दिया, अभी वैल्यू निकालने वाला तरीका भी बताऊंगा, पहले हम परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बात गौर से सुनिए बेटा, हेलो, चलिए भाई परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा जल्दी फास्ट। पहला क्वेश्चन सभी के सभी आंसर बताएंगे, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CGL मेंस 2019 का क्वेश्चन है, CGL मेंस 2019 का क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे आंसर बताएं जल्दी फास्ट। प्लीज फास्ट सबके सब मुझे आंसर बताएं,
पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी। टेल मी द आंसर टू माई फर्स्ट क्वेश्चन। देखो एक संख्या बार बार चेंज हो रही है और यहां पर तीन बार चेंज हुई है। बताइए बेटा आंसर, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है बेटा ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या को पहले 16% से बढ़ाया जाता है, फिर का मतलब क्रमागत 14% से बढ़ाया जाता है, और फिर उसे 30% से कम किया जाता है। तो बताओ संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी निकटतम। तो इसमें कौन सा मेथड लगाना बेस्ट रहेगा बेटा आप बताइए। पहले कितने परसेंट बढ़ा, एक संख्या जो है वो पहले कितने परसेंट बढ़ रही है बेटा 16%, फिर उसके बाद कितने परसेंट बढ़ रही है 14%, और फिर उसके बाद कितने परसेंट घट रही है बेटा ये बता दो। तो ये 30%। बोलो समझ लेना भाई सीजीएल वालों, बेटा जितने भी सीजीएल वाले हैं देख लो 3-3% का है। और अगर इस क्वेश्चन को आपने अगर रेशियो मेथड से किया ना तो कैलकुलेटिव बहुत हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और अप्रॉक्स आंसर वैसे निकालना है तो यहाँ पर देखना बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। देखो आप बताइए अगर 3-3% है और अगर आपको टोटल चेंज निकालना हो तो एक ही लाइन में आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा गौर से देखो, पहले एक एक करके जोड़ो। तो 16 और 14 बेटा ये तो हो गया +30 और ये हो गया -30, तो एक एक का सम कितना आ गया बेटा 0। देखिए आंसर क्या आएगा बेटा, एक एक करके जोड़ो x1, फिर 2-2 मिला के जोड़ना 2 के बाद पॉइंट, फिर 3 को मिला के जोड़ना 4 के बाद पॉइंट। तो एक एक का अगर सबको जोड़े तो बेटा नेट कितना आ रहा है 0। अब 2-2 का देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा +224। बोलो क्लियर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 42 माइनस का 420, और अभी ये दोनों भी बचे हैं तो 16 48 माइनस का 480। बेटा बताओ 2-2 वाली वैल्यू को जोड़ें तो माइनस का 420 माइनस का 480 ये हो गया माइनस का 900, माइनस का 900 ये हो गया। और आप बताइए बेटा +224 ये जोड़ोगे तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव में ही आएगा। कितना आएगा नेगेटिव में, तो 100 में से 24 गया तो 76 तो ये बचा, और 8 में से बेटा ये 8 में से अगर ये गया 2, 8 में से अगर 2 गया तो कितना बचा 6, और 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो माइनस का 6.76% बेटा इतनी कमी आ गई नेट। बोलो क्लियर हुआ। तो अगर एक एक करके जोड़ा तो 0 आया, और 2-2 करके सबको जोड़ा और 2 के बाद पॉइंट लगाया तो माइनस का 6.76 आया। बोलो क्लियर है। अभी तीनों को मिला के और जोड़ेंगे तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। अरे नेगेटिव ही आंसर आएगा तो नेगेटिव की वैल्यू जो है वो 6.7 से तो थोड़ा ऊपर ही जाएगी। नेगेटिव में अगर कुछ जोड़ोगे तो आंसर जो भी आएगा बेटा वो इसको मिला के माइनस का 6.7 से ऊपर ही जाएगा। तो अप्रॉक्स आंसर बताना है तो -6 तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि वृद्धि दे रखी है यहाँ पर, तो आंसर तो कमी में ही बताना है। तो ये कहता हूँ कमी में अप्रॉक्स ये आंसर कहाँ जा सकता है, 6.7 से ये कमी कहाँ जा सकती है, अप्रॉक्स 7 पे जा सकती है। तो क्वेश्चन हो चुका है, आगे अगर कैलकुलेशन ना भी करें तो भी आंसर आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आंसर निकाल दे रहा हूँ, देख लो भैया सीजीएल वालों यहां देख लो प्लीज़। तीनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 224 में गुणा 30 और कर दो तो 224 और गुणा 30 करेंगे तो बेटा ये 0 24 72 और 3 2 6 और 4 के बाद पॉइंट लगाओ तो 0.67 और आ जाएगा, 672.67 ही मान लो थोड़ी देर के लिए अप्रॉक्स। अगर इसे अगर जोड़ें तो बेटा ये कितना आएगा माइनस का 7 और 6 13 और 1 14 है और ये आएगा माइनस का 7, तो आंसर आएगा अप्रॉक्स माइनस का 7.43%। देखो बहुत आसानी से आंसर आ गया, अगर आप थोड़ा सा अंदाजा भी लगाते तो अंदाजे से ही आंसर बताना था तो आंसर आ चुका है 7% की कमी। बोलो समझ आया। तो अगर आप परसेंटेज मेथड करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक संख्या थी पहले उसे 16% बढ़ाया गया, फिर उसे 14% बढ़ाया गया, फिर 30% घटाया गया। आपको टोटल चेंज निकालना है, अगर आपको टोटल चेंज निकालना है तो आप पहले क्या काम करिए, एक एक करके जोड़िए, फिर 2-2 करके 2 के बाद पॉइंट, 3-3 करके 4 के बाद पॉइंट। तो बेटा एक एक करके अगर हम जोड़ें इसे तो +16 +14 30 बनेगा प्लस का, और -30 कट के नेट कितना आ जाएगा बेटा 0। तो एक एक का आंसर तो 0 आ रहा है। फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2-2 की एक वैल्यू ये बनेगी, 2 की एक वैल्यू ये बनेगी, 2 की एक वैल्यू ये बनेगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई 224, इन दोनों का मल्टीप्लाई 420, इन दोनों का मल्टीप्लाई 480,
480 420 योग है माइनस का 900, माइनस के 900 में से अगर मैं 224 घटाऊंगा प्लस वाले तो ये बनेगा माइनस का 676 और दो के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो माइनस का 6.76, तो माइनस का 6.76 ये आ गया। इसका तीनों का मल्टीप्लाई और करेंगे तो तीनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव ही आने वाला है, तो माइनस के 6.76 में अगर कुछ भी पॉइंट वाला जोड़ोगे नंबर, पॉइंट वाला नंबर जोड़ोगे तो ये नेगेटिव में और बढ़ेगा, तो इसका आंसर जो है वो माइनस के 6.76 से थोड़ा और बड़ेगी कमी आएगी, तो माइनस 6.7 से थोड़ी बड़ी कमी कौन सी हो सकती है, 7%। तो इसका आंसर अप्रॉक्स बताना था तो अप्रॉक्स का आंसर आएगा 7% की कमी। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए भाई, इसका मतलब ये मत ये बिल्कुल मत रटना कि भाई साहब नहीं, हमारे तो एग्जाम में दो दो ही आती हैं, तीन तीन नहीं आती। चलो भैया इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। बेटा मेरे प्यारे सब इसका आंसर बता दो जल्दी फास्ट, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? इसमें दो ही परसेंटेज हैं, जल्दी देखते ही आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन में देखते ही आंसर आ जाएगा बेटा। वेरी गुड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मैं सबके देख ले रहा हूँ बेटा मैसेजेस जितने भी हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मैंने सबके देख लिए बेटा, ठीक है मैसेज सबके देख लिए। आप पहले आंसर बताइए मुझे जल्दी फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आई वॉन्ट द आंसर। देखो गौर से, यहाँ पर जो डाटा है वो क्या दे रखा है बेटा, 8% और 8%, यहाँ पर 8% की वृद्धि और यहाँ 8% की कमी। जब भी डाटा परसेंटेज में और इंटीजर में हो तो अगर आपको टोटल चेंज निकालना हो तो परसेंटेज मेथड लगाओ, रेशियो पे मत जाओ अगर आपको जल्दी आंसर करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुस्तक का जो मूल्य है, पुस्तक का जो मूल्य है उसको पहले तो बढ़ाया गया 8% से और फिर उसे घटाया गया 8% से और आपको टोटल चेंज निकालना है। तो बेटा आपको टोटल चेंज निकालना है, क्योंकि डाटा आपका परसेंटेज और पूर्णांक में है तो डायरेक्ट आप परसेंटेज मेथड लगाइए। अगर एक एक करके जोड़ेंगे, दो परसेंटेज है तो पहले एक एक करके जोड़ेंगे और फिर दोनों को मिला के जोड़ेंगे x2, तो एक एक करके जोड़ेंगे तो दोनों का मिला के नेट जीरो आएगा बेटा ये, और दोनों का मल्टीप्लाई देखेंगे तो ये माइनस का 64 बनेगा, लेकिन दो के बाद पॉइंट लगाएंगे बेटा आपका आंसर माइनस का 0.64 होगा, और जीरो में माइनस 0.64 करेंगे तो आंसर इज माइनस का 64% की कमी। तो आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, 0.64% की कमी, तो वृद्धि आंसर नहीं होगा, आंसर राइट होगा बी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो दैट इज योर आंसर। बोलो क्लियर हुआ, सॉल्यूशन समझ आ रहा है? मैंने आपसे बस ये कहा कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दे रखा है अगर वो परसेंटेज और पूर्णांक में है तो बेटा आप मेरे अकॉर्डिंग मेरी बात मान लीजिए, आप परसेंटेज मेथड यूज़ करें, जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में होता तो आप फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर लेते, मतलब रेशियो मेथड यूज़ कर लेते। चलिए भाई आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फास्ट। अगेन द क्वेश्चन ऑफ SSC CHSL, ये क्वेश्चन SSC CHSL का है और अप्रॉक्स आंसर बताना है, और यहाँ पर तीन बार चेंज हुआ है तो तीन बार चेंज वाले केस में आप उठा के कुछ मत करिए, सीधा इंटीजर में डाटा दे रखा है, जल्दी एक एक करके जोड़ो, फिर दो दो करके जोड़ेंगे दो के बाद पॉइंट, तीन तीन करके जोड़ेंगे चार के बाद पॉइंट, आंसर बताइए। अप्रॉक्स आंसर करना है तो अप्रॉक्स कर दो, अप्रॉक्स आपके अकॉर्डिंग कहाँ जा रहा है? देखो तीन तीन का जो मिला के आता है वो हमेशा पॉइंट में ही जाता है, ठीक है, तो जल्दी आंसर बताइए क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा जल्दी बताओ आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जल्दी बताएं आप। देखो एक संख्या को बार बार चेंज किया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझना बेटा, एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है और फिर उसे 25% कम किया जाता है और फिर उसे 25% बढ़ाया जाता है, तो आपको टोटल वृद्धि निकालनी है कि टोटल परसेंटेज में वृद्धि क्या होगी या कमी क्या होगी। तो बेटा बताइए पहले आपने 30% बढ़ाया संख्या को, फिर आपने 25% कम किया संख्या को, फिर आपने 25% बढ़ाया संख्या को, तो अब अगर आपको तीनों का मिला के टोटल चेंज बताना है तो बेहतरीन तरीका, तीनों का मिला के अगर टोटल चेंज बताना है तो टोटल निकालने का बेहतरीन तरीका क्या है, अगर तीन परसेंटेज दे रखी हैं आपको तो पहले एक एक करके जोड़ेंगे x1, फिर दो दो करके जोड़ेंगे दो के बाद पॉइंट, फिर तीन तीन करके जोड़ेंगे चार के बाद पॉइंट, तो बेटा अगर एक एक करके जोड़ें तो प्लस 25 माइनस 25 कटेगा, ओवरऑल आंसर प्लस 30 आएगा। बोलो क्लियर है, आसान हो गया। और अब दो दो का देखो, दो दो की कैलकुलेशन देखना बेटा, दो दो की, तो दो दो की अगर कैलकुलेशन देखें तो बेटा बताइए ये कितना बन रहा है, 25 × 75 माइनस 750, ये आ गया आपका माइनस का 625,
अरे बोलो यार, और आपका ये कितना आ गया, 2575 प्लस का 750। और बेटा ये दोनों कट जाएंगे दो दो में, तो माइनस का 6.25, माइनस का 625 ही रह गया। तो आपका नेट और दो के बाद पॉइंट लगा दो, तो आपका नेट आंसर बनेगा माइनस का 6.25। बोलो क्लियर हुआ है यहाँ तक? अब तीनों का मिला के करते हैं, तो तीनों का मिला के अगर हम करेंगे तो 25 गुणा 25 625 हो गया, और इसमें गुणा भी 30 का और करना है, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई, और आंसर किस में आएगा? प्लस माइनस में आएगा। तो बेटा गुणा कितना आएगा? 0 3 5 15, 3 2 6 और 1 7, 3 6 18, और इसमें 4 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4, तो 4 के बाद पॉइंट लगा दो तो ये आंसर नेगेटिव में आएगा 1.87 अप्रॉक्स ये आंसर आएगा। तो बेटा आप बताइए क्या आएगा आंसर, जल्दी बोलो। तो ये हो गया आपका 30 में से अगर अप्रॉक्स घटाएंगे तो अप्रॉक्स कितना घटेगा बेटा? अगर अप्रॉक्स भी करें तो 87 और 0.25 जोड़ेंगे, 6 और 1 7, तो ये अप्रॉक्स 8 आएगा। तो अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो +22 आएगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो अप्रॉक्स 22% की वृद्धि होगी। बोलो क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन। तो आप देख पा रहे हैं जब आपको क्वेश्चन के अंदर डाटा पॉइंट्स में पॉइंट्स में ना देकर, मतलब फ्रैक्शन में ना देकर आपको इंटीजर में दे रखा है, तो आप परसेंटेज मेथड लगा रहे हो, आंसर अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन का भी बहुत आसानी से आ जा रहा है। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो बस अपने दिमाग में इतनी बात बसा लो कि एक एक करके जोड़ेंगे, फिर दो दो करके जोड़ेंगे, दो के बाद पॉइंट मिलाएंगे, दो के दो करके जो जितनी वैल्यू है सबको जोड़ लो, जो नेट आंसर आए उसमें दो के बाद पॉइंट लगा के लिख दो, फिर तीनों का मिला के आंसर करो, और तीनों के मिलाए हुए आंसर में चार के बाद पॉइंट लगा के उसे लिख दो, बस कैलकुलेशन करेंगे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्स अपने आप टिक लग जाएगा। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर ये बात समझ आ गई हो तो आप एक काम करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बताइए भाई, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ SSC GD। बेटा जितने बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं प्लीज देख लो, ये क्वेश्चन SSC GD का है, 2% आपको दे रखी थी। अभी मैं आपको SSC GD का ही क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसके अंदर बेसिकली 3-3% दे रखी हैं, और तीनों ही इंटीजर में दे रखी हैं। अगर उस क्वेश्चन को आपने वैसे किया तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन को डायरेक्ट करें, बात खत्म हो जाएगी जल्दी फास्ट। SSC GD का ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, आंसर क्या होगा? एक संख्या को दो बार चेंज किया जा रहा है, एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जा रहा है, और फिर परिणामी संख्या को 25% घटाया जा रहा है, और फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, तो बताएं आप आंसर। तो देखिए भैया, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है गौर से सुनिए। एक संख्या है, मैंने कहा x, उसको पहले 40% बढ़ाया जा रहा है, कितने परसेंट बढ़ाया जा रहा है बेटा? 40%, और फिर परिणामी जो संख्या आ रही है उसको 25% घटाया जा रहा है, मतलब माइनस का 25%। तो भैया आपको टोटल चेंज निकालना है, तो टोटल चेंज सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, पहले एक एक करके जोड़ेंगे x1, फिर दोनों को मिला के जोड़ेंगे x2, और दो के बाद पॉइंट लगाएंगे, पहले एक एक करके जोड़ेंगे तो +40 -25, तो नेट आंसर +15 आएगा, और अब दोनों को मिला के जोड़ेंगे तो 25 चौका 100, नेट मल्टीप्लाई 1000 हो गया, लेकिन लगाना है दो के बाद पॉइंट, तो ये आ गया -10, तो +15 -10 ओवरऑल आंसर आ गया +5, तो नेट आंसर हो गई 5% की वृद्धि, आंसर इज ओवर। तो कौन सा आंसर राइट होगा बेटा? ए ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ? तो ये बात याद रखना कि एक एक करके पहले जोड़ो, +40 -25, एक एक करके जोड़ेंगे +15 आएगा, फिर दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का आंसर माइनस में आएगा, और मल्टीप्लाई आएगा 1000, लेकिन 1000 में लगाना है दो के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट लगाओ तो ये -10 बचेगा, -10 यहाँ पे रख दो, +15 -10, नेट आंसर बचेगा +5, आंसर इज ओवर। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो समझ आ गई बात? अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो तो, और कोई क्वेश्चन है नहीं बेटा, आपको ये परसेंटेज वाले आंसर क्लियर हो गए होंगे। बोलो क्लियर हुआ? अब मैं बात करता हूँ वैल्यू निकालने वाली बात। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वैल्यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, हेलो, अगर आपको एक संख्या बार बार चेंज होने को मिले, एक संख्या बार बार चेंज हो रही हो और आपको टोटल चेंज निकालना हो, तो बेसिकली देर आर टू मेथड्स। पहला मेथड क्या कहता है कि आप हमेशा पहले क्या करें बेटा, दैट इज परसेंटेज जो भी है उन परसेंटेज को एक एक करके जोड़ें, फिर दो दो करके दो के बाद पॉइंट लगा के जोड़ दें, फिर तीनों को मिला के चार के बाद पॉइंट लगा के जोड़ दें, क्योंकि जब 3% होंगी बेटा, एक एक को जोड़ेंगे तो एक बार ही परसेंटेज आएगी, जब दोनों को मिला के जोड़ेंगे तो दो बार परसेंटेज आएगा, जब तीनों को मिला के जोड़ेंगे तो 3 बार परसेंटेज का साइन आएगा, लेकिन हमें चाहिए कितनी बार परसेंटेज का साइन? 1 बार। तो ये तो डायरेक्टली हो गया,
लेकिन यहाँ पर 2% है, 1 को हटाएंगे तो 150 करेंगे, 150 करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, समझ में आई बात। और यहाँ पर 3% के साइन है, 2 हटाएंगे तो 1 के मतलब है 2 के बाद पॉइंट, दूसरे का मतलब 2 के बाद, तो टोटल आएगा 4 के बाद पॉइंट। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो बेहतरीन तरीका होता है एक एक करके जोड़ो, 2 को 2 करके जोड़ो 2 के बाद पॉइंट, 3 3 करके जोड़ो 4 के बाद पॉइंट। लेकिन एक क्वेश्चन बताना भूल गया बेटा, वो आप कर दो थोड़ा। हाँ याद आ गया मेरे को, एक क्वेश्चन आया होगा बीच में बेटा, ये वाला क्वेश्चन और है जिसमें एक रिलेशन और होता है, जल्दी बताइए आंसर। इस क्वेश्चन में बेसिकली आप देखो रिलेशन है, ए का किससे रिलेशन है, बी से, ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, सी का डी से रिलेशन, और पूछा जा रहा है ए का डी से रिलेशन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल 2022, एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है बेटा ये। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे ख़त्म करते हैं याद करिए। अगर आपने मेरी रेशियो की क्लास अगर ली है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी ऐसे रिलेशन दिया जाए कि ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से, और आपसे डायरेक्ट पहला और लास्ट पूछा जाए, कॉमन को हटा के डायरेक्ट पहला और लास्ट पूछा जाए, ये क्वेश्चन वही है। कॉमन को हटा के देखो, देखो बी और बी हटा दो, सी और सी हटा दो, तो आपका डायरेक्ट रिलेशन ए और डी बचेगा। इसका मतलब कुछ मत करिए, बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को ख़त्म करने का, बेहतरीन तरीका है रेशियो मेथड। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। बोलो क्लियर है? तो यहाँ रेशियो मेथड लगाइए आप, यहाँ इस क्वेश्चन में रेशियो मेथड लगाएंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ पे देखिए बेटा क्वेश्चन सभी के सभी, प्लीज़ मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, प्लीज़ यहाँ पर देखें। क्वेश्चन में पहली लाइन में बोल रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, तो बात दे रहा है बेटा, ए की बात बोल रहा है बी के रिलेटिव में, और कितने परसेंट अधिक बोल रहा है, 25% अधिक है। इसका मतलब रेशियो क्या सेट होगा बेटा, जल्दी बोलो, 25% कितना होता है, जल्दी बोलो, 1/4, तो ये हो गया प्लस 1/4 की बात बोल रहा है ये। इसका मतलब बी अगर 4 है तो बी से ए 1 फालतू है, 4 पर 1 फालतू है, तो ए कितना है बेटा आपका 5। अब अगली लाइन में बोल रहा है बी जो है वो सी से 40% कम है, तो बात की जा रही है बी की किसके रिलेटिव में, सी के रिलेटिव में, और कितने परसेंट कम है, 40%। 40% की रेशियो 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5, और 20 का होता है 2×40, इसलिए रेशियो बनेगा 2/5। तो आपका 2/5 कम ही बोल रहा है, इसका मतलब सी का मान अगर आपका 5 है तो एक बी का मान उससे 2 कम, मतलब कितना हो गया, 3 है। बोलो क्लियर हुआ? अगली लाइन में बोल रहा है सी जो है वो डी से 20% अधिक है, मतलब अब रिलेशन बोल रहा है सी और डी में, और कितने परसेंट अधिक बोल रहा है बेटा, 20% माने 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डी 5 है तो उससे ये 1 अधिक है, मतलब कितना है, 6। अब आप खुद बताइए, अगर आपको मैंने ये रेशियो में भी क्वेश्चन कराए थे, अगर आपको ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से रिलेशन दे रखा हो और आपको एंड पॉइंट की बात करनी हो ए और डी की, तो बेहतरीन तरीका, ये वाले क्वेश्चन एसएससी जीडी में करवाए थे, लेकिन देखो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आप भैया सीधा बताओ ऐसे क्वेश्चन को करने का बेहतरीन तरीका क्या है, सबको कर दो गुणा डायरेक्ट, गुणा करने से बी बी कटेगा, सी सी कटेगा, डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा तुम्हें ए और डी का, किसका रिलेशन मिलेगा, ए और डी का। तो भैया डायरेक्ट अगर देखेंगे तो भैया कौन कट रहा है बेटा, 5 से 5 कट गया, और 2×4 और 2×3 6 क्रॉस में, तब देखो नेट मल्टीप्लाई 3×9 और 5×2 10। अब बस ए और डी में रिलेशन तुम्हें रेशियो आ गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपसे परसेंटेज क्या पूछ रहा है बेटा, परसेंटेज कमी, तो कमी कहाँ से आएगी, 9 से 10 या 10 से 9, तो आप कहेंगे 10 से 9, कितने कमी आएगी, 1 की, और 1 की कमी कितने पे, 10, तब बोलोगे 1/10 गुणा 100 कर देंगे, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 10% की कमी। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है, सर समझ में आई बात। इसका मतलब देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ एसएससी सीजीएल एंड एसएससी जीडी, यानी कि एसएससी जीडी में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी सीजीएल में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। बस ये होता है कि पेपर के अंदर, सीजीएल के पेपर के अंदर, पूरे पेपर के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे पूछ लिए जाते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस का लेवल ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही हाई रहे। यानी कि अगर आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीजीएल में, तो ये जरूरी नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होगा। 25 क्वेश्चन में से आप ये मान के चल सकते हैं कि 4 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जिनका लेवल एक अच्छा लेवल रहता है, लेकिन उसके बाद जो लेवल रहता है वो सब एग्जामों के सेम के बराबर ही रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो भी तैयारी कर रहे हो, बेस्ट तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी को करते रहो, ठीक है बेटा। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें भी परसेंटेज चेंज पूछा था, लेकिन इसमें मैंने आपको रेशियो मेथड लगा दिया। तो जब कभी भी आपको ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से, डी का ई से, और फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहा हो, तो रेशियो मेथड लगा के बात खत्म कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। बोलो क्लियर हुआ? अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, गौर से सुनना आप।
मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ जहाँ से मैंने बातें स्टार्ट की थी, तो अब मुझे निकालनी है वैल्यू, अब मुझे निकालनी है वैल्यू। तो गौर से सुनिए, अगर एक संख्या x है और इस x को पहले मान लीजिए मैंने कहा 20% बढ़ाया गया, और इस 20% बढ़ाने के बाद मैं फिर दोबारा से इसे 25% घटाया गया, फिर मैंने कहा इसको मान लीजिए 10% बढ़ाया गया। अगर इस प्रकार करके एक संख्या प्राप्त होती है और आपसे कहे कि ये संख्या निकालो, ये संख्या क्या होगी, तो सर आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दे रखी है आपको बस वो संख्या उठानी है और सीधे जो चेंजेस दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई करते जाना है। क्यों? क्योंकि ये 20% किसका बढ़ेगा, बीच में भाषा आएगी का, 20% बढ़ेगा एक्स का, कामाने मल्टीप्लाई, फिर 25% कम होगा किसका, जो आई यहाँ पर उसका, तो का मतलब फिर मल्टीप्लाई, फिर जो संख्या बनेगी उसका 10%, तो फिर का ही भाषा, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। इसका मतलब आप कुछ ना करें, इस संख्या को एक्स माने, यहाँ से स्टार्ट करें, एक्स माने, एक्स पर अगर 20% बढ़ रहा है तो 20% होता है 1/5, तो 5 पर अगर 1 बढ़ेगा तो नेट रेशियो सीधा मल्टीप्लाई कर दें 6/5, और फिर जो संख्या आई उसका फिर मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई, कितने परसेंट घट गया 1/4, ये था +1/5, ये है -1/4, ये है +1/10, तो x का 1/5 बढ़ा, तो 5 पर अगर 1 बढ़ा तो नेट हो गया 6/5, और जो संख्या बनी फिर उसका 1/4 घटा, मतलब 4 पे 1 घटा तो नेट कितना हो गया 3/4, फिर उसका का मैंने मल्टीप्लाई कितना, 10 पर 1 बढ़ा तो 9/10। बस यही कैलकुलेट कर लेना, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ख़त्म। अरे समझ गए, तो आप कुछ ना करें, अगर 10 पे वृद्धि हो रही है, अच्छा अगर 10 पे वृद्धि हो रही है तो बेटा ये गलत है मेरा थोड़ा सा, तो 10 पे अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ 11/10 पे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वैल्यू देकर वैल्यू निकालनी हो, अगर आपको वैल्यू देकर वैल्यू निकालनी है तो बेटा आप कुछ ना करें, इनिशियल वैल्यू को अपनी तरफ से मान लें कि वो एक्स है, और फिर उसके बाद जो भी परसेंटेज चेंज है उनके रेशियो का क्या करते जाएं उसमें गुणा, और ऐसा गुणा करने से वो चेंज होके जो बनना है वही आंसर आपके सामने होगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो इसका मतलब वैल्यू निकालने के लिए हमें परसेंटेज के रेशियो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, यदि हम क्वेश्चन को एक लाइन में करना चाहते हैं तो। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर आपको ये बात क्लियर हुई हो तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा पहला क्वेश्चन, क्लियर है? तो चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट, पहले क्वेश्चन का आंसर आप इसका बताएंगे जल्दी फास्ट। ये क्वेश्चन है SSC CHSL का क्वेश्चन है 2022 का। प्लीज़ सभी के सभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, SSC CHSL। इसमें वैल्यू देकर वैल्यू पूछी गई है, देखो सेस वाली वैल्यू दे रखी है कि सेस इतनी वस्तुओं पर खर्च करता है, ठीक है, और आप आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। वॉइस सही तो आ रही है भैया? वॉइस सही नहीं आ रही, क्या चेक करना, बच्चे कह रहे हैं वॉइस सही नहीं आ रही। बेटा आ रही होगी वॉइस सही यार? बेटा अब यहाँ पे कोई है नहीं यार मेरे पास, अगर होता कोई मैं क्लियर करा देता। क्या हो रहा है बेटा, ये कहाँ से बजा रही है? हो गया सही? चलो देखो भाई, बेटा वो थोड़ी देर हो रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा सा होगा, ठीक है, थोड़ी देर होगा फिर नहीं होगा, है ना, अब टेंशन फ्री रहो। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कनेक्शन किस वजह से ऐसे हो रहा है, पर मेरी आवाज़ तो पहुँच रही है ना। चलो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व प्लीज़ समझना। ठीक है, देखो भाई ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है, गौर से सुनिए। भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, और कोमा लग रहा है, कोमा का मतलब यह है कि जो पैसा है उसके पास उसी में से ही अगला खर्चा हो रहा है, इसका मतलब वेतन में से ही 20% खर्चा हो गया किराए पर, और उसी वेतन में से 10% हो गया स्टेशनरी पर, उसी वेतन में से 14% हो गया परिवहन पर, और उसी वेतन में से 18% हो गया बिजली पर, और लास्ट में शेष पैसा दे रखा है। तो एक बात गौर से सुन लेना, हमें जाना कहाँ है, हमें तो वहाँ पहुँचना है जहाँ वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू किसकी दे रखी है, शेष की। तो और आपसे पूछा गया मासिक वेतन बताइए, तो वेतन आपको निकालना है,
अगर वेतन निकालना है तो वेतन को शुरुआत में इनकम को आई मान लो। अब मुझे नहीं पता कि वेतन क्या है, मैंने वो आई मान लिया। मैं क्वेश्चन को एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ, गौर से सुनना। आप बताइए, अगर इनिशियल वेतन आई है और सारे खर्चे आई में से हुए हैं, तो सारे खर्चों को अगर आई में से हुए हों तो सबको एक साथ जोड़ दो, ताकि यहाँ सारों को जोड़ के एक साथ माइनस करके बात खत्म कर दें। तो 20% एक खर्चा हुआ है, 10% एक खर्चा हुआ है। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आय है और इस आय में से एक खर्चा हुआ है 20% का, और इसमें से ही एक खर्चा हुआ है कितने परसेंट का, 10% का, और इसमें से ही एक खर्चा हुआ है कितने परसेंट का, 14% का, और इसमें से ही एक खर्चा कितने परसेंट का हुआ है, 18% का। उसके बाद शेष बचा है, उसके बाद शेष बचा है, और वो पैसा आपको दे रखा है कितना बेटा, 1520। क्वेश्चन वास्तव में बेटा ये है, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन। तो आप खुद बताइए कि अगर इस आय में से ये चारों खर्चे आय में से हुए हैं तो इन सबको जोड़ दो एक साथ। तो आप बताइए 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50 और 8 और 4 12, तो ये टोटल हो गया 62। तो आप बताइए 100% अगर आय थी तो 100% में से अगर 62% खर्चा हो गया तो कितने परसेंट खर्चा बच गया, तो आप कहेंगे 38% बच गया। बोलो क्लियर है? तो बस क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो जाएगा, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बोल सकते हैं, अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो आप सीधा बोलिए। आपको क्वेश्चन के अंदर ये काम नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा प्रोडक्ट पढ़ा करेंगे। अगर वेतन आई है और उसमें से चार खर्चे हुए हैं और इन चारों का योग यदि 62 है तो टोटल 100% में से 62% हटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 38%। किसका 38% बचेगा, आई का। तो आई का 38% माने 38/100, और जो ये बचेगा वही क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है, 1520 रुपये के बराबर। बोलो एक लाइन लिखना समझ आ गई आपको, सॉल्यूशन सिंगल एक लाइन का है इस क्वेश्चन का। आपको ये लिखना है, भैया मैंने वो क्वेश्चन समझाया था यहाँ पर, आप ये लिखना सीख गए क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, सब समझ में आई बात। आप कुछ मत करिए बेटा, 19 से काट दीजिए, 19 दूनी 38 और 19 अट्ठे 152, नहीं 19 अट्ठे हुआ, नहीं 19 अट्ठे, हाँ 19 अट्ठे 152। बोलो क्लियर हुआ बेटा, क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात? और बेटा ये पीछे जीरो भी है तो 80 हो गया, और 2 की वैल्यू 80 को काटेंगे तो कितनी बार हो गई बेटा आपकी, 40। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 40 × 100। सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 4000। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करने होते हैं ये क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से, सीधा एक लाइन में आंसर होगा। आप ज़्यादा माथापच्ची ना करें, आपका आंसर सीधा एक लाइन में आंसर क्लियर है। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो अब आपको समझ में आया क्या, कैसे वैल्यू निकालनी है? वैल्यू निकालने का बेहतरीन तरीका फिर सुन लें, जो शुरुआत में वैल्यू है उसे आप अपनी तरफ से कुछ मान लें, और जैसे जैसे खर्चा होता जा रहा है उसको हटाते जाएं, माइनस करते जाएं, और वहां पे पहुंचे जहां वैल्यू दे रखी है। और जैसे आप वहां पे पहुंच जाएंगे उसे सीधे एक लाइन की कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो सीधा आपको जो निकालना है वो सीधा आपको मिल जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है, सर समझ में आई बात? चलिए भाई, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो प्लीज़ मुझे इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर बताएं। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ SSC MTS 2021। ये MTS का क्वेश्चन है भाई साहब, सबके सब बच्चे मुझे एक लाइन में आंसर बताएंगे इस MTS के क्वेश्चन का। आप सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा काम करेंगे, पर ध्यान रखना अगर बीच में वर्ड आ रहा है शेष, देखिए यहाँ जो खर्चा आ रहा है वो शेष में से हो रहा है। दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो सारा खर्चा एक में से ही हो जाएगा या सारा खर्चा स्टेप वाइज होगा, पहले कुछ खर्चा फिर जो बचा उसमें से खर्चा फिर जो बचा उसमें से खर्चा। तो ये वाला क्वेश्चन वो है जिसमें बचा फिर खर्चा फिर बचा फिर खर्चा, तो स्टेप स्टेप में आगे बढ़ेंगे आप। तो चलिए भाई आपका आंसर आ गया होगा, अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूँ। लाइन टू लाइन आप क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चलेगा। आपको कहाँ पहुँचना है, आपको शेष पर पहुँचना है। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए शेष, आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन टारगेट होना चाहिए शेष निकालना। अरे क्लियर है? तो ये कह रहा है वरुण के पास मौजूद पैसे, अब वरुण के पास कितने पैसे हैं ये तो मुझे नहीं पता, मैंने माने आई है, मैंने कितने मान लिए बेटा आई,
अब आप बताइए, जो भी उसके पास मौजूद पैसे हैं उनका 60% उसने पत्नी को दे दिया, 60% पत्नी को दे दिया तो कितना परसेंट बच गया? हमें तो शेष से मतलब होना चाहिए, तो 60% पत्नी को दे दिया तो शेष कितना बच गया? 40%। तो 40% बच गया किसका? आई का। 40% कितना होता है? 20%, 1/5 और 20 × 2 = 40, तो 2/5। तो आई का 2/5 उसका बच गया। अब जो उसके पास बच गया उसमें से आगे वो फिर देगा। तो अब आगे फिर पढ़िए, अब उसने अपने तीन बच्चे, उसके बच्चे हैं तीन, और तीन बच्चों से प्रत्येक को शेष धनराशि में से, तो शेष धनराशि तो यही बची थी ना, इस धनराशि में से दे रहा है। और कितने बच्चों को दे रहा है? तीन को, और तीन में भी किसको? प्रत्येक को। कितने परसेंट दे रहा है? 20%। तो 20% अगर तीनों बच्चों को दे देगा तो 20 20 20 कितना हो गया? 60। तो 60% हटा दो, फिर उसके पास शेष कितना बचेगा? फिर से अगेन 40% बचेगा। 40% बचेगा किसका? जो शेष है उसका। तो उसके पास 2/5 फिर बच जाएगा। बोलो क्लियर है? अब ये शेष क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि अगला खर्चा फिर उसमें से शेष में से ही हो रहा है। अब वह बची हुई राशि, तो बची हुई कितनी राशि होगी बेटा? अब आपके पास आई का 2/5 का 2/5 ये बचा हुआ है, और फिर उसका कामा ने मल्टीप्लाई कितना? 3/5 हिस्सा, 3/5वां हिस्सा विविध यानी अन्य खर्चों पर दे रहा है। अगर 3/5 खर्च दे रहा है खर्चा, तो 3/5 अगर खर्चा कर दे रहा है तो 5 में से 3 खर्चा कर दिया, तो कितना बचेगा? क्योंकि हमें तो शेष टारगेट है ना हमारे क्वेश्चन में, तो शेष कितना बचा? 2/5। बोलो क्लियर है? और जो ये शेष बचा वही उसने जाके बैंक में जमा कराया है, तो वो है कितने के बराबर बेटा? 9600 के बराबर। बोलो ये सिंगल लाइन लिखना समझ आ गई क्या? मैं एक एक स्टेप स्टेप में आगे बढ़ा। देखिए फिर दोबारा मैं इस लाइन को एक बार फिर लिखना सिखा दे रहा हूँ, गौर से सुनना। आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना, आपको कोई मानना नहीं है ना कुछ करना, आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन पढ़ते समय आपको लाइन टू लाइन क्लियर करना है। देखिए फिर दोबारा क्लियर करता हूँ। वरुण के पास कुछ धनराशि थी, मैंने वो धनराशि कितनी मानी बेटा? मैंने आई। उस आई में से 60% उसने अपनी पत्नी को दे दिया। अगर हमारा टारगेट क्या है बेटा इसमें? शेष, क्योंकि क्वेश्चन में शेष धनराशि दे रखी है, तो शेष पर सोचते जाएंगे हम, किसी के खर्चे के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो आप बताइए जल्दी फास्ट, अगर वरुण के पास धनराशि आई थी और उसने 60% पत्नी को दे दिया, तो कितने परसेंट रह गया उसके पास? 40%। 40% की रेशियो क्या होती है? 20% होता है 1/5, और 20 का 2 गुना होता है 40, तो इसलिए 2/5। तो आई का 2/5 उसके पास रह गया, और जो रह गया उसमें से उसने अपने तीन बच्चों में प्रत्येक को 20% दिया है। अगर प्रत्येक को 20% देगा तो आप बताइए 20 × 60, तो 60 उसके पास से फिर चला जाएगा, तो कितना फिर बचेगा उसके पास? 40%। किसका 40%? जो बचा है उसका। तो आई का 2/5 बचा था, उसका कामा ने मल्टीप्लाई 2/5 फिर बचा, और जो बचा उसमें से फिर उसने 3/5 हिस्सा अन्य पर खर्च कर दिया। तो 5 में से अगर 3 खर्चा फिर कर दिया, तो फिर 5 में से 3 खर्चा निकाल के कितना बचेगा? 2/5। और जो बचा वही आपको दे रखा है 9600, वही जाके उसने बैंक में जमा कराया है। तो बताइए प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी ये निकालना है। तो सीधी कैलकुलेशन करते हैं, 2 × 4 × 8, और 8 से अगर इसका 8 काटें तो बेटा 8 × 12 = 96 होता है, तो 1200 बार कट जाएगा सीधा सीधा। अब बस इसका गुणा करना है, तो आई का मान डायरेक्ट आ जाएगा 1200 × 5 × 25, ऐसे कर लेते हैं, आसान गुणा रहेगा। 12 × 5 = 60, 6000 ये हो गया, और गुणा 25 फिर करना है, तो 25 × 150, आंसर आ गया आपका 150,000। सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 150,000, सिंगल लाइन आंसर, बात खत्म। समझ आ गया होगा, बोलो क्लियर है या नहीं है? अब आपको समझ में आया वैल्यू कैसे निकालते हैं? स्टेप में सोच के चलिए, अगर सारे खर्चे एक में से हो रहे हो, जैसे पिछला क्वेश्चन था, तो उन सारे खर्चों को एक साथ क्लब करो और एक साथ 100% में से निकाल के जो बचा है उससे बात कर लो। लेकिन अगर सारे खर्चे एक स्टेप में हो रहे हैं, पहले खर्चा फिर जो बचा उसमें से खर्चा, कोई आय है उसमें से खर्चा हो गया, तो जो बचा पहले उस पर आओ, फिर जो खर्चा हुआ उससे मत जाओ, फिर बचा उस पर आओ, ऐसे स्टेप बाई सॉल्व करो और सारी चीज़ें क्लियर कर हो जाएंगी। यही दो तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने हमेशा, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो भाई अब अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी के सभी, जल्दी फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट फास्ट। ये चुनाव वाला क्वेश्चन है, अगर चुनाव की हिस्ट्री सीखनी हो तो आप बताइए। चुनाव की बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। चुनाव में क्या होते हैं? पहले टोटल मतदाता होते हैं, टोटल मतदाता जितने भी होते हैं उसमें से पहले कुछ ना डालने वाले भी होते हैं, जो ना डालने वाले उन्हें निकाल दो, जो बचेंगे वो डालने वाले बचेंगे, जो डाले गए मत होंगे।
अब जो डाले गए मत हैं उनमें से आप अवैध मत निकाल दो। अवैध मत कौन से मत होते हैं, जिन्हें बंदा गया तो सही वोट डालने लेकिन वो नोटा दबा के आ गया। क्या दबा के आ गया? नोटा, यानी कि उसकी मर्जी किसी को वोट देने की नहीं है। तो वो मत कहाँ से निकलते हैं? डाले गए मतों में से। अब डाले गए मतों में से अवैध निकालोगे तो बचेंगे कौन से बेटा? वैध मत। और जो वैध मत बचेंगे वही बटेंगे किस किस में बेटा? विनर में और लूजर में। दैट इज द क्वेश्चन। ये मैंने आपको थ्योरी लिख दी चुनाव की, चुनाव के सारे क्वेश्चन यही हैं। देखो वही शेष वाली बात है, खर्चा टोटल धनराशि थी, खर्चा हो गया शेष बचा, खर्चा हो गया शेष बचा, वो बट गया, खत्म। करिए क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो अगर आपको ये एक संख्या बार बार चेंज करने वाली बात समझ आ जाएगी तो चुनाव भी इस केस में खत्म है सारा, क्योंकि चुनाव के क्वेश्चन उसी केस से रिलेटेड है। चलिए भाई अब करते हैं, गौर से सुनना। ये क्या कह रहा है? दो प्रत्याशियों के बीच में चुनाव होना था, ठीक है कोई बात नहीं। फिर टोटल वोटर नहीं पता तो उसको मैंने टी मान लिया, क्योंकि कुल मतदाताओं की संख्या मेरे को पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो भैया आप बताइए टोटल मतदाताओं को मैंने कितना मान लिया? टी। लेकिन अब वो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि टोटल मतदाताओं में से 80% ने ही अपना वोट डाला, तो हमें तो उन्हीं से मतलब है जो डाले गए हैं, ना डालने वाले तो निकालने थे, लेकिन ना डालने वाले कितने हो रहे होंगे? 20%। 80% अगर डालने वाले हैं तो ना डालने वाले 20%, लेकिन ना डालने वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें तो डालने वाले से मतलब है। तो भैया हमें तो शेष से मतलब है जो बचे। तो बताइए टोटल अगर टी है तो उनके 80% डालने गए, 80% की रेशियो क्या होती है? 20% होता है 1/5, और 20 का होता है 4×80 होता है, तो इसलिए आंसर होगा 4/5। तो टोटल अगर टी मतदाता थे तो उनके 4/5 ने वोट डाले। अब ये डाले गए मत आ गए सारे के सारे, ये कौन से मत आ गए? डाले गए। अब जो डाले गए मत आ गए, ये डाले गए मत आ गए बेटा, अब वो आगे पढ़ो फिर दोबारा। वो कह रहा है 5% अवैध घोषित हो गए। अगर 5% अवैध घोषित हो गए तो 5% होता है 1/20, यानी 20 में से एक वोट आपका इनवैलिड है, नोटा दबाया हुआ है, तो कितने बचे? हमें तो उनसे मतलब है, तो जो डाले गए मत हैं उनके 19/20 बचे। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब आगे फिर बढ़िए। अब ये कौन से मत आ गए टोटल? ये आ गए वैलिड वोट्स। कौन से आ गए बेटा? वैलिड वोट्स। अब वो कह रहा है कि एक प्रत्याशी को कितने मिले? 10,545 वोट मिले, जो कि कुल वैध वोटों का, मतलब ये जो वैलिड वोट है इनका 75% है। तो भैया इसमें अगर 75% मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्टली उस वैल्यू पर पहुंच जाऊंगा जहां दे रखी है। तो आप कुछ करिए, इसमें 75% का मल्टीप्लाई करिए। 75% कितना होता है? 25% 1/4, 25 का 3×3/4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, और यही वोट आपको कितने दे रखे हैं? 10,545। बोलो क्लियर हुआ? अब आप बताइए क्या आपको ये सिंगल लाइन लिखना समझ आ गई? अगर आपको सिंगल लाइन लिखना समझ आ गई चुनाव आपका खत्म। चुनाव के क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होते हैं, बस आप काटा पीटी खेल मचाइए क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आइए भाई, 4 से तो 4 कट गया बेटा। अरे बोले यार बेटा, अब आप बताइए 3 से काट लें इसको। तिनाम तिया 9 और 3×5 15 और 15×3 45। बोलो क्लियर हुआ? अरे बोले क्लियर है? और बेटा अब आप इसको काट दीजिए। तो बेटा 5 से क्यों काट रहे हो? सीधा 19 से काटना पड़ेगा, सामने सामने 19 से कटेगा ना। तो बेटा 19 चलिए भाई बेटा देखो यहाँ पर 4 से मैंने ये काट दिया 4, 3 से ये काट दिया बेटा मैंने ये इतनी बार। अब 19 से काट देंगे इसको, तो 19×19 ठीक है, इसको अगर काटेंगे टोटल कितना कट रहा है बेटा? 185 बार। क्लियर है? अब आप बताइए टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? आप बताओ 20×5 100, 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 18500। तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका? बी ऑप्शन। बताइए आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ गए भाई? अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो तो चुनाव वाले क्वेश्चन भी एक लाइन में ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। चलिए भाई आइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फिर दोबारा।
आपका चुनाव वाला क्वेश्चन एक अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए जल्दी, फास्ट आंसर क्या आएगा? चुनाव वाले क्वेश्चन खत्म करो। बताइए बेटा आंसर क्या होगा? देखिए यार, ये कह रहा है कि दो दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, तो कुछ मतदाता रहे होंगे, वही मतदाताओं की सूची लास्ट में पूछी गई है, उसे आप टी मान लो। तो बेटा बताइए, टोटल मतदाता अगर टी है तो कितने परसेंट मतदाताओं ने वोट नहीं डाला? 15% ने। 15% की रेशियो कितनी होती है बेटा बताइए? 5% होता है 1/20, और 5 का होता है 3 × 15, तो 3/20, यानी 20 में से 3 ने नहीं डाले, हमें मतलब होना चाहिए जिन्होंने डाले, तो 20 में से अगर 3 गए तो कितने बचे बेटा? 17। तो ये हो गया आपका 17/20, तो टोटल मतदाताओं के 17/20 ने वोट डाले। बोलो क्लियर हुआ? अब आप आ जाइए, जो डाले गए मत हैं उनके बाद डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 10% कितना होता है? 1/10, तो 10 में से अगर एक अवैध निकाल दो नोटा वाला, तो कितने बच गए? हमें उनसे मतलब है 9/10। बोलो क्लियर है? अब जो वैध वैध मत आ गए, उस वो कह रहा है कि वैध मतों के 55% मत एक बंदे को प्राप्त हुए। आप बताओ, अगर वैलिड वोट्स के 55% मत एक को मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले हैं बेटा? 45%। सही बात है। और आप बताओ, अगर जीतने वाला जीता कितने परसेंट से है, तो इन दोनों का अंतर कितने परसेंट आएगा बेटा? 10%। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह कौन सा जो 55% मिला है, वह 6,120 वोटों से चुनाव जीत गया, तो आपको बताओ जो चुनाव जीता है वो वैल्यू दे रखी है, तो चुनाव जीता कितने परसेंट से था बेटा? 10। तो 10% की वैल्यू दे रखी है आपको 6,120। तो आप बताइए, वैलिड वोट के बाद आपको किधर को जाना चाहिए? 55% की तरफ, 45% की तरफ, या 10% की तरफ? तो आप कहेंगे 10% की तरफ जाएंगे, तो इसमें आगे मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, और यही वोट होगा आपका 6,120। बोलो अब आपको समझ आया क्या बेटा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो एक काम करिए, 9 से काटिए बेटा। अगर 9 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 × 54 कितना बचा बेटा आपका? 54 के बाद में 9 × 54 7 बचा, 9 × 8 = 72, और ये 0। और बेटा 17 से काट दें, 17 × 64, तो ये हो गया आपका 40। बोलो क्लियर हुआ? तो अब बताइए टी बराबर क्या आएगा बेटा? आप बताइए, ये कितना बन रहा है आपका? 2000। 2000 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर को होगा, तो 40 × 2000, तो 40 × 2000 अगर हम करते हैं तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 80,000। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 80,000, यानी टोटल वोटर्स वहां पर जो थे वो 80,000 थे। बोलिए, एक लाइन में आंसर निकालना समझ आया नहीं आया? तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए कि एक संख्या बार 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 चेंज हो रही हो, तो ऐसे क्वेश्चन की आपने 3 तरह के क्वेश्चन देखे। पहले कौन से? कि आए में से ही 4-5 खर्चे हो गए, तुमने सबको जोड़ा, उनको बाहर फेंक दिया, जो बचा वो आपका आंसर करके एक लाइन में। दूसरा आपने देखा स्टेप स्टेप में खर्चा हटाया, टोटल में जो खर्चा हुआ वो हटा के जो बचा वो देखा, फिर खर्चा हुआ उसको हटा दिया, फिर जो बचा वो देखा, फिर खर्चा हटा दिया, फिर जो बचा वो देखा। बोलो क्लियर है या नहीं है? उसे शीर्ष में से बोलते हैं, वो देख लिया। इसके बाद आपने चुनाव वाले क्वेश्चन देखे, टोटल वोटर्स थे, उनमें से ना डालने वाले अलग फेंक दिए, जो डालने वाले हैं उनसे मतलब है, डालने वाले में से नोटा वाले अलग फेंक दिए, जो बचे वैलिड वोट वो अलग हैं, जो वैलिड वोट हैं वही विनर और लूजर में बांट दिए, वैलिड वोट के बाद विनर के दे रखे हैं तो विनर की तरफ चले जाओ, लूजर के दे रखे हैं लूजर की तरफ चले जाओ, और आपको डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस की तरफ चले जाओ। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो आपको शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बोलो क्लियर है? तो आप बताइए बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। दिस द क्वेश्चन ऑफ SSC GD। देखो मजे की बात यह है कि SSC GD ने 3-3% चेंज दी थी, 3-3% चेंज दी थी, 2%, 5% और 4%, 2%, 5% और 4%। गोविंद सर देखना, ये दिख रहा है क्या क्वेश्चन साफ साफ? चलो ठीक है, क्लियर दिख रही है ना वैल्यूज? दिख रही है? क्लियर दिख रही है? कम दिख रही है? मैं यही देख रहा था बेटा, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो इधर को। ये जो आपकी 3% आपको दे रखी है, ये जो 3% आपको दिख रही है, मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ। एक है आपकी 2%, एक है आपकी 5%, और एक है आपकी 4%।
यहाँ तो दिख रहा होगा ना बेटा, और ये तीनों की तीनों ही वृद्धि है, पहली बात, प्लस प्लस प्लस। अब आप क्वेश्चन का आंसर बताइए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसएससी जीडी, देख लो। तो कौन कहता है कि एसएससी जीडी के अंदर बहुत लो लेवल आता है, कौन कहता है कि एसएससी जीडी के अंदर सीजीएल के लेवल नहीं पूछे जाते, ये कौन सा सीजीएल लेवल, कौन सा जीडी लेवल। तो बस आप प्रिपरेशन करिए, ऐसी बात नहीं है कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर कि उसका मूड क्या पूछने का कर रहा है, जो उसका मूड करेगा पूछने का वो पूछेगा और आपको आंसर करना पड़ेगा। अरे क्लियर है? तो इसलिए बेटा कोई भी ऐसा डिफरेंट टाइप मत बनाया करो कि नहीं ये जीडी है और ये सीजीएल है, ये सीएचएसएल है और ये टेट है। आप प्रिपरेशन करिए अच्छी तरह से, आजकल सारी एग्जामों का लेवल एक ही है, ठीक है? आंसर बताइए, आप आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट, आप टाइम वेस्ट ना करें। तो देखिए भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, बात खत्म। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर तुमने रेशियो मेथड लगाया तो तुम्हारी बैंड ही बज जाएगी। इस क्वेश्चन में अगर आपने रेशियो मेथड लगाया तो बेटा बैंड बज जाएगी आपकी। तो अब आप क्या करें, अब आप लगाएं परसेंटेज मेथड। अगर इस क्वेश्चन को एक सेकंड में करना चाहते हो, मैंने बोला अगर आपकी परसेंटेज इंटीजर में है और बहुत छोटी छोटी परसेंटेज हैं तो बेहतरीन तरीका है परसेंटेज मेथड लगा लो। तो क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। कितने लाख थी बेटा? 3 लाख। तो 3 लाख थी, 3 लैक्स। अरे क्लियर है? ये 3 लाख थी जनसंख्या 3 वर्ष पहले, लेकिन इन 3 वर्षों के अंदर 3 बार चेंज हुआ। कैसे कैसे चेंज हुआ? पहले वर्ष 2% बढ़ा, दूसरे वर्ष 5% बढ़ा और तीसरे वर्ष कितने परसेंट बढ़ा बेटा? 4%। और आपको ये पूछ रहा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो आपको बेहतरीन कैलकुलेशन एक काम करो, इसमें रेशियो मेथड मत लगाना, कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि 2% का होता है 1/50 और ये हो जाएगा 51/50, ये हो जाएगा 21/20, ये हो जाएगा आपका 26/25 और गुणा करोगे तो बैंड बच जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर बेहतरीन तरीका है परसेंटेज मेथड। कौन सा मेथड? परसेंटेज मेथड। सर समझ में आई बात? तो एक काम करो, पहले टोटल चेंज निकाल लो परसेंटेज में। तो पहले टोटल चेंज निकाल लेते हैं बेटा, तो ये जो जनसंख्या है ये टोटली कितना चेंज हुई, तो चलिए भाई पहले एक एक करके जोड़ेंगे। तो पहले एक एक करके जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 4 11, तो ये एक एक करके जोड़ के आ गया प्लस 11। अब दो दो का मल्टीप्लाई देखो भाई, अब दो दो का मल्टीप्लाई देखना प्लीज फास्ट। 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20 और 4 × 2 = 8। तो बेटा बताओ 20 और 10 = 30 और 8 = 38 और 38 में 2 के बाद पॉइंट, तो प्लस 0.38। बोलो क्लियर हुआ? और ये कहता हूँ ये 0.38 है, तो जो तीसरा x3 होगा क्या वो बहुत छोटा होगा? तो नेगलेक्ट कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसे नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो इसका मैं अप्रॉक्स मान सकता हूँ कि आपकी जो वृद्धि हुई है वो 11.38% की हुई है, इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगी क्योंकि मैंने अभी x3 लिया नहीं है। अब आप बताओ 11.38% किसका बड़ा होगा बेटा? 3 लाख का। तो बताइए 3 लाख का निकाल दीजिए, बात ख़त्म। अब बताओ एक बात और, अगर 11.38% बढ़ा तो ये अपने आप में अगर 100% है, परसेंटेज में कर दे रहा हूँ, 100% में अगर 11.38 बढ़ेगा तो नेट परसेंटेज क्या बनेगी बेटा? 111.38%। और ये इसमें गुणा किससे होगा बेटा? 3 लाख। किससे गुणा हो जाएगा? 3 लाख से। बोलो क्लियर है? तो पहले गुणा कर दो, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 9, 9 × 2 = 11, 1 बचा, 3 × 3 = 4, 11 × 3 = 33। बोलो ये होगा? सर समझ में आई बात? और पीछे आपका 5 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5, लेकिन परसेंटेज से 2 जीरो हटाओ और 2 के बाद पॉइंट हटाओ तो आपका अप्रोक्स आंसर ये आएगा। क्या आएगा? 3,34,140। 3,34,000 के आसपास आंसर कौन सा है? तो आंसर राइट होगा 3,35,000, नहीं 3 लाख। हाँ हाँ बेटा मैं समझ गया, ठीक है सॉरी। तो आपका आंसर 3,34,152 दे रखा है, तो आंसर यही राइट होगा क्योंकि पॉइंट में थोड़ा बहुत छूट गया था, तो 140 में थोड़ा सा बढ़ाओगे तो 152 हो जाएगा। तो बस अप्रॉक्स आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में आते हैं, बताओ। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अब तो बेहद आसान तरीके से आ गया, लेकिन अगर वैसे निकालते तो बहुत टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन में। बोलो क्लियर हुआ? नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 3-3% चेंज आए, 4-4% चेंज आए और आपको जल्दी आंसर करना हो, तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि पहले उन सब का नेट परसेंटेज चेंज निकाल लो
और नेट परसेंटेज चेंज का मल्टीप्लाई करो, बेहतरीन आंसर। या फिर एक काम और कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इसका पहले 3 लाख में गुणा करके चेंज पता कर लेते और 3 लाख में उतना जोड़ देते तो बात खत्म हो जाती। अरे क्लियर है या नहीं है बताओ, बात समझ आई या नहीं आई बताइए। देखो यहीं के एक काम और कर सकते थे, क्या जैसे परसेंटेज चेंज निकल आया इसमें डायरेक्टली 3 लाख का मल्टीप्लाई कर देते, 3 लाख का मल्टीप्लाई कर देते कितना था, 3 8 24, 3 9 2 11, 3 8 9 2 11, 3 1 3 11 33 और 1 34 और 5 0 लगाओ, 5 0 लाख वाली, परसेंटेज से 2 0 हटाओ, पॉइंट से 2 0 हटाओ, तो एक तरह से वृद्धि हो जाती कितने की, 34,140 की। तो 3 लाख में अगर 34,140 की वृद्धि हो रही है तो फाइनल वैल्यू कितनी बनी होगी, 3,34,140। तो आंसर अप्रोक्स आएगा 3,34,140 से थोड़ा सा फालतू, तो आंसर होगा 3,34,152। तो आपको समझ आया नहीं आया, तो बेटा ध्यान रखना मैंने आपको अब क्लियर कर दिया है और यहाँ पे करते हैं हम इस टॉपिक को एंड। ठीक है बेटा, तो मैंने आज टॉपिक कंप्लीट कर दिया, एक संख्या को बार बार बदलना, 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 ये वाला टॉपिक आपका हो गया बेटा क्लियर। सो हैप्पी एंडिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, वेरी गुड। अब आप आए हो, जितने बच्चे अब आए हो तो हैप्पी एंडिंग, इसकी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। ठीक है बेटा, हैप्पी एंडिंग इस टॉपिक की। तो कहने का मतलब अलग अलग संख्याओं को चेंज करना मैंने सिखा दिया, एक संख्या को चेंज करना मैंने सिखा दिया, तो संख्याओं का चेंज हुआ ख़त्म, चुनाव भी हुआ ख़त्म, सारी चीज़ें आपकी हुई ख़त्म। बोलो क्लियर है। अब एक आध दो टॉपिक बेसिक्स विविध है, वो एक क्लास और लूँगा मैं परसेंटेज की, जिसमें थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं वो भी कवर अप हो जाएँ, तो बस उसके बाद आपकी लास्ट क्लास होगी इसके बाद कल। तो आप सभी के सभी बच्चे ध्यान रखना कि कल की जो क्लास होगी वो आपकी राइट ऑन टाइम होगी, दैट इज़ 8 to 9। क्या होगी बेटा, 8 to 9। आज बस मैंने जल्दी क्लास इसलिए ले ली क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, तो इसलिए मेरी क्लास आज 6 से 7 हो गई थी। मैंने सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लाइव आते होंगे वो कोचिंग में नहीं होंगे ऐड, तो उन बच्चों के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा आपकी क्लास कल होगी और कल कोई टेस्ट नहीं होगा, कल रेगुलर क्लासेज ही होगी। बोलो क्लियर हुआ बेटा। तो चलिए, और कल आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो चलिए बेटा, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।